हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ अमोल मानकर, सीनियर लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 3 फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूनिट नेम इज प्रोसेस मैनेजमेंट। टोटल एलोकेटेड मार्क्स फॉर द यूनिट नंबर 3 इज 14 एंड द टुडेज लेक्चर टॉपिक इज प्रोसेस स्टेट एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हम इस यूनिट में पढ़ने वाले अबाउट द प्रोसेस की प्रोसेस जनरेट कैसे होती है, प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्यूज यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरियस टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स एंड द प्रॉपर प्रोसेस शेड्यूलिंग सिस्टम यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम सो दैट द नंबर ऑफ प्रोसेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम सही तरीके से एग्जीक्यूट करती है। तो हम ये सारी चीजें इस यूनिट में, जिसका नाम प्रोसेस मैनेजमेंट है, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लर्निंग आउटकम, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस विथ इट्स स्टेट्स एंड द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको हम पीसीबी बोलेंगे। प्रीरिक्विसाइट, टुडेज लेक्चर प्रीरिक्विसाइट इज सर्विसेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं। There are various services provided by the operating system and there are various components of operating system. हम हर एक components के बारे में भी पढ़ चुके और हर एक service के बारे में भी discuss कर चुके unit number 2 में. So this is the prerequisite for the today's lecture topic. So now सबसे पहले हम देखते हैं what is process. A program or application under execution is called as process, whereas the program is a set of instruction. कि अगर हम यहाँ पे program और process को समझेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं program की बात कर रहा हूँ, तो ये static होता है. So program मतलब क्या है? तो set of instruction. अगर आपके desktop पे आपने एक application software को install करके रखा हुआ है, तो वो आपका program है. But जब आप उस program को execute करते हो, तो उसके अंदर में लिखी हुई जो set of instructions है, वो one by one execute होती है. और जब वो एग्जीक्यूट होगी, तो वो प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम नहीं रहेगा, वो रहेगा हमारा प्रोसेस। दैट मींस व्हेन द प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन देन इज कॉल्ड एज प्रोसेस। सो हम प्रोग्राम को बोल सकते हैं स्टैटिक एंड प्रोसेस को हम बोल सकते हैं डायनामिक। व्हाई? बिकॉज प्रोसेस में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है, इसलिए वो डायनामिक, और प्रोग्राम में हमने इंस्ट्रक्शंस को लिख के रखा हुआ, इसलिए वो स्टैटिक। A process include the execution context. A program reside on the disk. On disk, it does not require any resources. अगर मैं यहाँ पे process की बात करूँ, तो हमारे जो process है, वो अगर execution में है, तो हमारा वो process जो है, वो maintain करेगा यहाँ पे RAM. और अगर हमारा वो program है, तो program हमारा रहेगा कहाँ पे? Disk पे. अगर मैं process की बात करूँ, तो process हमारी रहेगी RAM के ऊपर में. A program gets executed in the main memory, so it should be transferred from disk to main memory. जब program execute होगा, तो सबसे पहले तो program हमारा रहने वाला है hard disk के ऊपर में, लेकिन जब वो execution phase में आएगा, तो वो हमारे किसके पास में आएगा? Main memory, जिसको हम बोलते हैं RAM. That means आपको operating system में एक concept यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, when the program starting its execution, then वो program जो हमारा main memory के ऊपर में रहेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस। टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम नीड मेनी रिसोर्सेस एंड कंप्लीट्स फॉर इट, नाउ इट बिकम्स प्रोसेस। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में रहेगा, तो एग्जीक्यूशन स्टेट में उसको नंबर ऑफ रिसोर्सेस लगने वाले हैं, और नंबर ऑफ रिसोर्सेस का यूज करके हमारा जो प्रोग्राम है, वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने वाला है। दैट मींस प्रोग्राम हमारा बन जाएगा यहाँ पे प्रोसेस, और हमारा प्रोसेस यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करना है, तो उसको नंबर ऑफ रिसोर्सेस लगने वाले, तो वो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोवाइड करेगा। फॉलोइंग फिगर शोज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, दिस फिगर शोज द बेसिक एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिट नंबर 3 में आगे की टॉपिक क्लियरली समझना है, तो आपको ये डायग्राम पहले आपको सही तरीके से समझनी पड़ेगी। सो ये डायग्राम क्या बोल रही है? अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे, तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको दिख रहा है जॉब क्यू, देन आफ्टर रेडी क्यू, देन आफ्टर सीपीयू एंड लास्ट में एग्जीक्यूशन कंप्लीट। और नीचे में अगर आप देखोगे, सो दिस इज द डिवाइस क्यू। दीज आर द 3 बेसिक क्यू यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फर्स्ट
मैं आपको बता रहा हूँ हर एक क्यू का अपना अपना रोल। इसी डायग्राम को हम आगे के टॉपिक में भी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज जॉब क्यू। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट नंबर ऑफ प्रोसेस एट अ सेम टाइम एंड देर आर नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट इन साइड अ कंप्यूटर सिस्टम एट अ सेम टाइम। सो कंप्यूटर सिस्टम में नंबर ऑफ प्रोसेसेस अवेलेबल रहेगी बट वो सारे की सारी प्रोसेस एट अ सेम टाइम एग्जीक्यूशन के लिए रेडी नहीं रह सकती। सो जो सारी की सारी प्रोसेसेस जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रहती है वो कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेन की जाती है जॉब क्यू में, और जॉब क्यू को हम बोलते हैं हार्ड डिस्क। सो योर जॉब क्यू इज प्रेजेंट ऑन अ हार्ड डिस्क। सो आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस सम प्रोसेस आर गेट रेडी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन। सो दिस प्रोसेस कम्स फ्रॉम जॉब क्यू टू रेडी क्यू एंड रेडी क्यू इज योर रैम। जो प्रोसेसेस रेडी रहती है फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन ऐसी प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब क्यू से निकाल के रेडी क्यू में लाके रख देता है। आफ्टर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट पर्टिकुलर प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू बाय यूजिंग डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एंड सेंड वन बाय वन प्रोसेस टू द सीपीयू। यहाँ पे अभी आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट अ सेम टाइम बट द सीपीयू एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोसेस एट अ सेम टाइम। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एग्जीक्यूट करेगा नंबर ऑफ प्रोसेस एट अ सेम टाइम, ये सही बात है जो हमने यूनिट नंबर वन में भी डिस्कस किया हुआ है, बट अगर मैं सीपीयू की बात कर रहा हूं तो सीपीयू एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोसेस एट अ वन टाइम। सो the main role of operating system is to select particular process from the ready queue and send it to the CPU for the execution. अभी हम यहाँ पे एक example लेते हैं कि job queue में n number of process है, हम consider करते हैं n equal to 10 कि job queue में total 10 processes है but these 10 processes are not ready for starting its execution but after some time out of these 10 processes 4 processes are get ready for starting its execution. Then operating system shift this process from job queue to ready queue. So now in job queue there are only 6 processes remaining and in ready queue there are 4 processes are ready for starting its execution. Operating system apply the scheduling algorithm on ready queue and ready queue is nothing but your RAM. And according to the scheduling algorithm, operating system select one process out of the 4 process and send it to CPU first. Then, वो process CPU के साथ में execute होगी। अगर उस process को अपने execution complete करने के लिए किसी device की जरूरत नहीं है, तो process हमारा हो जाएगा execution complete. But in case process requires some device, then it requests for that device. और अगर वो डिवाइस उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है सो प्रोसेस वेट करेगा उस डिवाइस के लिए। सो अगर आप देखोगे सीपीयू से नीचे में एक एरो आके आपको डिवाइस क्यू में दिख रहा है, सो ऐसी प्रोसेस जिनको उस डिवाइस की जरूरत है बट डिवाइस इज नॉट रेडी फॉर द यूज बिकॉज द डिवाइस इज बिजी विथ अनादर प्रोसेस, तो वो प्रोसेस डिवाइस क्यू में आके वेट करेगी। जैसे ही वो प्रोसेस डिवाइस क्यू में आके वेट करेगी, नाउ द सीपीयू गेट फ्री एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट another process from the ready queue. Out of 3 process operating system select one process for the execution and send it to CPU. जब वो another process CPU के साथ में execute हो रही है तो ये जो हमारा device queue में एक process wait कर रही थी उस process के लिए वो device available हो गया। So now वो जो process उस device के लिए wait कर रही थी अभी वो process अपना execution उस device के साथ में कंप्लीट कर रही है और सीपीयू के पास में कोई एक दूसरी प्रोसेस है। दैट मींस दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑपरेट टुडेज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट अ सेम टाइम। सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूट विद द सीपीयू एंड अनदर प्रोसेस इज एग्जीक्यूट विद द डिवाइस। सो दिस इज एक्चुअली operating system execute more than one process at a same time but the CPU execute only one process at a same time. So this is the basic execution of process. इसी diagram के base के ऊपर में हमको आगे के topic यहाँ पे पढ़ना है। So this is the basic concept
कि इस कंसेप्ट को यूज करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर ऑफ प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन। नाउ द प्रोसेस स्टेट, अगर मैं यहां पे प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस जब जनरेट होती है और प्रोसेस जब टर्मिनेट होती है तो ड्यूरिंग दिस टू पॉइंट वो मूव करेगी फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस। एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट इट चेंजेस स्टेट ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ अ प्रोसेस। इट्स एग्जीक्यूशन स्टेटस मे बी इन वन ऑफ द फोर स्टेट एसोसिएटेड विद ईच स्टेट इज यूजुअली अ क्यू ऑन विच द प्रोसेस रिसाइड। जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो उसकी उसके पूरे लाइफ स्पैन में अलग अलग स्टेट से वो मूव करती है, उसी स्टेट्स के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है और हर एक स्टेट के साथ में यहाँ पे रहने वाला है क्यू। तो वो कैसे रहेगा हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन द फर्स्ट स्टेप इज न्यू, यहाँ पे प्रोसेस हमारा क्रिएट होगा। दैट मीन्स एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपने उसके ऊपर में डबल क्लिक किया, सो नाउ प्रोग्राम इज प्रोसेस। सो यहाँ पे हम बोलेंगे द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज न्यू। सेकंड वन इज रनिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, अगर वो प्रोसेस जनरेट हुई है दैट मीन्स हमारे रैम में है बट अभी तक के सीपीयू के पास में नहीं गई है, तो अभी वो सीपीयू के पास में अगर गई तो हम उस स्टेट को बोलेंगे रनिंग स्टेट, बिकॉज यहाँ पे प्रोसेस के जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट वन इज वेटिंग प्रोसेस वेटिंग फॉर सम इवेंट टू ऑकर, अगर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के बीच में किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी तो वो रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा और सीपीयू को रिलीज कर देगा और आफ्टर दैट वो वेट करेगा उस डिवाइस के लिए, अगर दैट मीन्स रिसोर्स के लिए, अगर वो रिसोर्स एट दैट टाइम प्रेजेंट नहीं रहेगा। सो अगर प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए या फिर डिवाइस के लिए वेट कर रही है तो सो द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज वेटिंग। नेक्स्ट वन इज रेडी, The process is waiting to be assigned to a processor. जो processes ready रहेगी for sending to the CPU for the execution, so उसके लिए process जहाँ पे wait करेगी हम उसको बोलेंगे the state of process is ready. And last one is terminated. Process execution is over. अगर process proper तरीके से execute होगी तो वो जो state रहेगी process की वो रहेगी यहाँ पे terminated. Now these are the four to five states of a process. Now हम यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं, this is the basic diagram of process state. There are five states: new, ready, running, waiting and terminated. So we will start from the first step, new. अगर मैं यहाँ पे new की बात कर रहा हूँ that means यहाँ पे process generate हो चुकी है, so अगर new की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्टेट ऑफ प्रोसेस रहेगी न्यू और न्यू स्टेट स्टेट में अगर प्रोसेस है तो यहाँ पे ये जो रहेगा ये आपका रहेगा जॉब क्यू एंड जॉब क्यू इज मेंटेन ऑन अ हार्ड डिस्क, क्योंकि हमारे रैम के पास में कुछ लिमिटेड स्पेस ही रहती है तो हम रैम के ऊपर में कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसेस जनरेट हो चुकी है वो सारे की सारी प्रोसेसेस हम रैम के ऊपर में नहीं रख सकते, दैट्स वाई उसके लिए हम हार्ड डिस्क में कुछ स्पेस को रिजर्व करके रखते हैं जिसको हम बोलते हैं जॉब क्यू, और जॉब क्यू में जो प्रोसेसेस रहेगी जो जनरेट हो चुकी है उसको हम बोलेंगे द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज न्यू। सो आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस सम प्रोसेस आर रेडी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन, सो वो प्रोसेस जाएगी हमारी न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में। यस दिस प्रोसेस आर रेडी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन। प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर जॉब क्यू में 10 प्रोसेसेस है, आउट ऑफ 10 प्रोसेस 4 प्रोसेस आर रेडी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन, देन दिस 4 प्रोसेस कम्स फ्रॉम न्यू टू रेडी जिसको हम बोलेंगे एडमिटेड। व्हाई? बिकॉज दिस 4 प्रोसेस आर रेडी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन विद द सीपीयू। सो जो रेडी है, रेडी जो रहेगा तो हम इसको बोलेंगे रेडी क्यू, और इसको हम बोले ये जो रेडी क्यू रहेगा ये कहां पे रहेगा हमारा मेन मेमोरी जिसको हम बोलते हैं रैम। इन शॉर्ट अगर प्रोसेस की स्टेट न्यू है दैट मीन्स हमारी प्रोसेस कहाँ पे हार्ड डिस्क के ऊपर में, और प्रोसेस की स्टेट अगर रेडी है तो हमारी प्रोसेसेस कहाँ पे रहेगी मेन मेमोरी में। सो नाउ 4 प्रोसेस आउट ऑफ 10 प्रोसेस कहाँ पे आ गई रेडी में दैट मीन्स रैम के ऊपर में। अभी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम
का यूज करते हुए सिलेक्ट करेगा वन प्रोसेस फॉर सेंडिंग टू द सीपीयू। तो आप एक अगर एरो देखोगे तो नीचे में दिया हुआ है शेड्यूलर डिस्पैच जो जा रहा है रेडी की तरफ से रनिंग की तरफ। दैट मीन्स आउट ऑफ फोर प्रोसेस हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ने क्या किया, एक प्रोसेस को सिलेक्ट कर दिया और भेज दिया किसके तरफ, सीपीयू के तरफ। नाउ दिस प्रोसेस इज बिजी विद द सीपीयू एंड द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज रनिंग। जब हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती रहेगी सीपीयू के साथ में तो उस प्रोसेस का स्टेट जो रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ पे रनिंग। अभी रनिंग स्टेट अगर प्रोसेस का है तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक प्रोसेस सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए तो हम उसको बोलेंगे द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज टर्मिनेट, दैट मीन्स एग्जिट। सेकंड, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस प्रोसेस रिक्वायर सम रिसोर्सेस आईओ डिवाइसेस देन इट रिक्वेस्ट फॉर दैट डिवाइसेस। अगर उस टाइम पे वो डिवाइसेस बिजी होंगे तो हमारी प्रोसेस उस डिवाइस के लिए वेट करेगी, तो द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज वेटिंग। आप नीचे में देख सकते हो आईओ और इवेंट वेट। बट आफ्टर सम टाइम जब वो प्रोसेस को वो डिवाइस मिल जाएगा सो वो प्रोसेस उस डिवाइस के साथ में एग्जीक्यूट करेगी और फाइनल में जाके फिर से रेडी क्यू में रेडी हो जाएगी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन अगेन। सो जब वो वेट कर रही होगी तो द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज वेटिंग। नेक्स्ट वन, दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। एक तो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो स्टेट रहेगी प्रोसेस की टर्मिनेटेड। सेकंड, की प्रोसेस अगर वेट करेगी किसी आईओ डिवाइस के लिए तो वो प्रोसेस की स्टेट रहेगी वेटिंग। एंड थर्ड वन, कि अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यहाँ पे एक नेक्स्ट प्रोसेस रेडी हो गई है फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन और उस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है, दैट मीन्स हायर प्रायोरिटी अगर उस प्रोसेस की होगी तो यहाँ पे रनिंग स्टेट में जो प्रोसेस होगी उसको हम इंटरप्ट कॉल करके फिर से डाल देंगे रेडी में, और रेडी स्टेट में जो प्रोसेस आई थी जिसकी प्रायोरिटी हाई थी हायर थी तो हम उस प्रोसेस को भेज देंगे रेडी टू रनिंग। दैट मीन्स हमने जानबूझ के अगर किसी प्रोसेस को प्रोसेस का एग्जीक्यूशन रुका के किसी दूसरे प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट अगर करना है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कॉल करेगा इंटरप्ट, और इंटरप्ट कॉल करके वो जो प्रोसेस है जो रनिंग स्टेट में थी सीपीयू के पास में थी वो जाएगी रेडी में, दैट मीन्स मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी में जो प्रोसेस आई थी जिसका एग्जीक्यूशन की प्रायोरिटी हाईएस्ट थी तो हमने उसको भेज दिया रेडी टू रनिंग। क्योंकि अगर हमको वो प्रोसेस को भेजना था सीपीयू के पास में तो हमको सीपीयू को फ्री करना था, और सीपीयू के पास में ऑलरेडी एक प्रोसेस थी जो एग्जीक्यूट हो रही थी तो हमको सीपीयू को फ्री करने के लिए इंटरप्ट कॉल करके उस प्रोसेस को रनिंग में से रेडी में भेजना पड़ा। सो दिस इज द इंटरप्ट। सो दीज आर द बेसिक फाइव स्टेट्स ऑकर ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोसेस एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोसेस स्टेट। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट प्रोग्राम एज अ डिफरेंट प्रोसेसेस। As processes run, it is necessary to keep certain detail related to the process. अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर ऑफ प्रोसेस को जनरेट कर रहा है तो ये जरूरी है कि हर एक प्रोसेस का सही तरीके से डेटा भी हमको मेंटेन करना है, इंफॉर्मेशन भी मेंटेन करना है। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस जनरेट होगी उतने नंबर ऑफ यहाँ पे पीसीबी भी जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर सिस्टम में 10 प्रोसेसेस होगी तो पीसीबी भी कितने होंगे, 10। जैसा प्रोसेस P1 का जो पीसीबी रहेगा वो रहेगा PCB1, प्रोसेस P2 का जो पीसीबी रहेगा वो रहेगा PCB2। सो ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द प्रोसेस 1 इज मेंटेन बाय द PCB1 एंड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस 2 इज मेंटेन बाय द PCB2। सो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद द प्रोसेस वो सारी चीजें हमारे उस पीसीबी में रहने वाली है। PCB is a record or a data structure that is maintained for each and every process. हर एक प्रोसेस के लिए यहाँ पे मेंटेन होगा PCB. Every process has one PCB that is associated with it. Example, process 1 having PCB 1. A PCB is created when a process is created and it is removed from the memory when the process is terminated. जैसी प्रोसेस क्रिएट होगी उसके साथ में उसका PCB भी क्रिएट होगा, और जैसी प्रोसेस वो टर्मिनेट होगी तो उसके साथ में भी उसका पीसीबी टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 हैविंग इट्स ओन पीसीबी 1 फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 के साथ में पीसीबी 1 भी जनरेट हुआ फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेस 1।
जैसे ही प्रोसेस वन यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी, वैसे ही उसका उससे रिलेटेड पीसीबी भी वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। सो जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेन मेमोरी के ऊपर में डेटा स्टोर रहेगा प्रोसेस का, तो वो रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पीसीबी, जिसको हम बोलते रेडी क्यू। अ पीसीबी में कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस टू विच द पीसीबी बिलोंग। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन पीसीबी ऑफ एनी प्रोसेस में वेरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस की मेंटेन कर सकते पीसीबी में। अभी वो इंफॉर्मेशन डिपेंड करेगी, वेरी करेगी प्रोसेस टू प्रोसेस, कि वो प्रोसेस क्या है, किस तरह की प्रोसेस है, उसके ऊपर में डिपेंड करेगी वो इंफॉर्मेशन। इसके पीसीबी में अलग अलग कंटेंट्स होते हैं जो हम आगे में डायग्राम में देखने वाले हैं। सो जरूरी हर एक प्रोसेस का हर एक चीज वहां पे मेंटेन रहेगा, बट ऐसे भी कुछ कंटेंट्स रहेंगे जो हर एक प्रोसेस के हमको मेंटेन करना पड़ेगा। अभी वो वैरी करेगा प्रोसेस टू प्रोसेस। फॉलोइंग फिगर शोज द पीसीबी। दिस इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या क्या स्टोर रहेगा हमारे प्रोसेस से रिलेटेड, सो दीज आर द डिफरेंट कंटेंट। एग्जाम्पल, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोसेस काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी लिमिट्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल एंड डैश डैश, दैट मीन्स लॉट ऑफ थिंग्स। सो हम हर एक को देखते डिटेल में। फर्स्ट वन इज प्रोसेस नंबर। इट इज नेसेसरी टू गिव द नंबर टू ईच एंड एवरी प्रोसेस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस। सो हर एक प्रोसेस के पास में उसका एक नंबर रहेगा, जिसको हम बोलेंगे प्रोसेस आईडी। सेकेंड वन इज प्रायोरिटी। Each process is assigned a certain level of priority. हर एक process की यहाँ पे priority रहने वाली। हम unit number 4 में जब scheduling algorithm को discuss करेंगे, तब हमको समझेगा कि priority का role क्या रहेगा। वैसे ने previous slide पे priority के बारे में discuss किया हुआ है कि अगर किसी process की priority higher होगी, तो हम CPU के पास में जो process execution में रहेगी, उसमें interrupt डाल के उस प्रोसेस को फिर से रेडी क्यू में भेजेंगे, और जो रेडी क्यू में जो प्रोसेस थी जिसकी प्रायोरिटी हाई थी, उसको हम रेडी क्यू से निकाल के सीपीयू के पास में भेज देंगे। तो यहाँ पे प्रायोरिटी भी हम यहाँ पे हमारा जो पीसीबी है वो मेंटेन करेगा। प्रोसेस स्टेट, अभी हमने पढ़ा हुआ है कि जरूरी है कि हर एक प्रोसेस का स्टेट ऑपरेटिंग सिस्टम को पता रहे, दैट्स व्हाई उस प्रोसेस का पीसीबी मेंटेन करेगा उस प्रोसेस का स्टेट। प्रोग्राम काउंटर, दिस कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूट फॉर द सेम प्रोसेस। उसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो पॉइंट एड्रेस रहेगा, कहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन है, वो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर में हम मेंटेन करेंगे उस प्रोसेस के प्रोग्राम काउंटर में। नेक्स्ट वन इज सीपीयू रजिस्टर। फॉर स्टोरिंग एनी इन्फॉर्मेशन वी रिक्वायर द रजिस्टर, सो सीपीयू रजिस्टर वेरी इन द नंबर एंड द टाइप डिपेंडिंग अपॉन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आपके कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कौन सा है, उसके ऊपर में डिपेंड रहेंगे हमारे सीपीयू रजिस्टर, जिसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है फॉर स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन। सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पे आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया हुआ है कि रेडी क्यू के ऊपर में हम अप्लाई करेंगे शेड्यूलिंग अल्गोरिदम। सो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का काम करेगा टू सिलेक्ट द प्रॉपर प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन। सो दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड अ प्रोसेस प्रायोरिटी, पॉइंटर्स टू शेड्यूलिंग क्यूज एंड एनी अदर शेड्यूलिंग पैरामीटर्स। हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, वो सारी चीजें हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में मेंटेन रहेगा, जो हमारा पीसीबी का एक कंटेंट है। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग। दिस इंक्लूड द एक्चुअल सीपीयू टाइम यूज इन एग्जीक्यूटिंग अ प्रोसेस इन ऑर्डर टू चार्ज इंडिविजुअल यूजर फॉर द प्रोसेसर टाइम, टाइम लिमिट एंड अकाउंट्स नंबर, जॉब और प्रोसेस नंबर। सो हमने एक पढ़ा था सर्विसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा था अकाउंटिंग। इट्स इज नेसेसरी टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस, दैट मीन्स अकाउंटिंग, कि हमको हर एक प्रोसेस के बारे में याद मेंटेन करके रखना पड़ेगा रिकॉर्ड, कि वो प्रोसेस कब एग्जीक्यूट हुई, कितना कितने टाइम वो सीपीयू के साथ में थी, कितने टाइम वो वेटिंग स्टेट में थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज मेंटेन बाय द अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज आईओ स्टेटस। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड सम आईओ डिवाइसेस। जैसा हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था प्रोसेस स्टेट की, कि वेटिंग स्टेट भी होती है। सो यहाँ पे हम आईओ स्टेटस को मेंटेन करेंगे उस प्रोसेस के, मतलब उस प्रोसेस ने कौन से आईओ डिवाइस को कितने टाइम के लिए यूज किया हुआ और उसने जो रिक्वेस्ट की थी उस रिक्वेस्ट को हमने फुलफिल किया या नहीं। सो आईओ इंफॉर्मेशन इंक्लूड द लिस्ट ऑफ डिफरेंट आईओ डिवाइसेस अलोकेटेड टू अ डिफरेंट
processes. It includes the outstanding IO requests, allocated device information, pending operation and so on. Each and everything related with the IO devices, यहाँ पे हम maintain करने वाले हैं. And last one is file management. It includes the information about all the open files, access right, etc. अगर मैं यहाँ पे process की बात कर रहा हूँ, तो उसको किसी file की जरूरत भी पड़ सकती है, तो list of open file जो हमने PCB में देखा हुआ है, उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं file management में. यहाँ पे include रहेगा information about all the open files और उसके access rights. So these are the various content जिसका use करते हुए हम PCB में एक process की information maintain करते हैं. Now, following figure shows the CPU switches from process to process. That means the concept of context switching and use of PCB during the execution of a process. ये जो डायग्राम है, ये हमको यहाँ पे ये बता रही है कि किस तरीके से CPU स्विच करता है from one process to another process. That means जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि operating system execute more than one process at a same time. Example के लिए मैंने आपको बताया कि एक process CPU के साथ में execute हो रही है, at the same time another process execute हो रही है किसी एक resource के साथ में. So इस तरीके से operating system दो process को एक ही time पे execute करता है. बट अगर मैं यहाँ पे CPU की बात करूँ, तो CPU execute करेगा एक process at a one time only. So यहाँ पे CPU after executing first process, second process को किस तरीके से execute करता है, तो यहाँ पे इस diagram के through हम समझने की कोशिश करेंगे. और इसी concept को हम बोलते हैं context switching. Final exam में एक अलग से question आपको पूछा जा सकता है, draw and explain the concept of context switching. साथ में इसी diagram में हमको ये समझ रहा है कि how the PCB works when the process is in execution. So let us see the diagram. This diagram shows the context switching. When we can run processes at the same time, and when process 1 wait for an IO process 2 execute, and when process 2 wait for an IO process 1 execute. Some time is required for turning CPU attention from process 1 to process 2 is called as context switching. जब प्रोसेस 1 वेट कर रहा है आईओ के लिए, तो प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट हो रहा है, और जब प्रोसेस 2 वेट कर रहा है आईओ के लिए, तो प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट कर रहा है. सो इस टाइम में जब कोई भी एक प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जा रही है, तो हमारा सीपीयू जो है वो फ्री हो रहा है, और सीपीयू जब फ्री होगा तभी वहां पे किसी एक दूसरी प्रोसेस को, दैट मींस इस एग्जांपल में बोला हुआ है प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 1. सो हमारा जो सीपीयू है किसी एक दूसरी प्रोसेस को अलॉट यहां पे कर दिया जाएगा. तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, तो ऑन योर लेफ्ट साइड प्रोसेस P0, ऑन योर राइट साइड प्रोसेस P1, एंड मिडल में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर CPU. सो क्या हो रहा है कि अगर आप प्रोसेस P0 को देखोगे, तो वहां पे एरो दिख रहा है, एरो में लिखा हुआ एग्जीक्यूटिंग, दैट मींस प्रोसेस इज इन एग्जीक्यूशन. कौन सी प्रोसेस? प्रोसेस P0. बट आफ्टर सम टाइम प्रोसेस P0 का एग्जीक्यूशन हमने रोक दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक नई प्रोसेस आगे आपके राइट साइड में है P1. सो यहाँ पे प्रोसेस P0 का एग्जीक्यूशन हमने रोक दिया है बाय अप्लाइंग इंटरप्ट और अ सिस्टम कॉल. सो प्रोसेस P0 का कुछ एग्जीक्यूशन हुआ था, और आफ्टर सम टाइम हमने उसको इंटरप्ट कॉल करके उसका एग्जीक्यूशन रोक दिया है. तो प्रोसेस P0 का जो भी कुछ अपडेट होगा, वो हम सेव कर लेंगे सेव स्टेट इनटू PCB0. हम मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडल में अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है. सो सेव कर लेगा उस प्रोसेस का अपडेट डेटा इनटू PCB0. नाउ द प्रोसेसर इज टू बी फ्री, क्योंकि प्रोसेसर के साथ में सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट हो रहा था? प्रोसेस P0. बट हमने उसको इंटरप्ट कॉल करके उसका एग्जीक्यूशन रोक दिया, तो उसका जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो हमने PCB0 में स्टोर कर लिए, और ये किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने. सो जैसे ही प्रोसेस P0 का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, तो हमारा जो CPU है वो CPU फ्री हो जाएगा. CPU फ्री हो गया, तो अभी CPU वेट कर रहा है अनादर प्रोसेस के लिए. सो अगर आप राइट साइड में देखोगे, तो एक ब्लैक कलर की लाइन आपको दिखी हो, और वहां पे लिखा हुआ आइडियल, कि प्रोसेस P1 जो है वो आइडियल था इतने टाइम के लिए,
बट ये जो एरो जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि फ्रॉम दैट पॉइंट प्रोसेस P1 इज रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और जैसे ही प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होगी तो हमने उसको भेज दिया, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको भेज दिया CPU के पास में, और जब वो CPU के पास में अपने एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी तो वो साथ में क्या लेकर जाएगी, अपना डेटा, कहाँ से, PCB1 से। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है रीलोड स्टेट फ्रॉम PCB1। व्हाई? बिकॉज प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है किसके साथ में, CPU के साथ में। सो जब वो एग्जीक्यूट होगी तो उससे रिलेटेड डेटा जो भी उस CPU को लगने वाला है फॉर एग्जीक्यूटिंग दैट प्रोसेस P1, वो रीलोड करेगा किससे, PCB1 से। सो ये जो एरो आपको इंडिकेट कर रहा है वो दिखा रहा है कि प्रोसेस P1 इज इन एग्जीक्यूशन, दैट मींस एग्जीक्यूटिंग। नाउ द प्रोसेस P1 इज विथ CPU, इसलिए वो उसकी स्टेट जो रहेगी रनिंग रहेगी, जिसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिंग P1। बट आफ्टर सम टाइम अगेन प्रोसेस P1 को हमने इंटरप्ट कॉल करके उसका एग्जीक्यूशन रोक दिया। सो हमने अगर उसका एग्जीक्यूशन रोक दिया तो अगेन जितना भी उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हुआ होगा वो अपडेटेड डेटा लेके हम फिर से उसको क्या करेंगे, सेव स्टेट इनटू PCB1। मतलब हमने इसको फिर से रैम के ऊपर में स्टोर कर लिया, क्योंकि PCB हमेशा हमारा कहाँ पे होता है, रैम के ऊपर में, जिसको हम बोलते हैं रेडी क्यू। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंटरप्ट कॉल करके प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन रोक दिया, और प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन रोकने के बाद में उसका जो स्टेटस है, उसका जो डेटा है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, वो हमने सेव करके रख दी कहाँ पे, PCB1 में। सो नाउ अगेन CPU गेट फ्री। सो ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है आइडियल टाइम ऑफ CPU, दिस इज द आइडियल टाइम ऑफ CPU, आइडियल टाइम ऑफ प्रोसेस, दिस इज द आइडियल टाइम ऑफ प्रोसेस। सो यहां से लेके इस एरो के बीच में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी P1, बट यहाँ पे हमने इंटरप्ट कॉल कर लिया तो प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन हमने रोक दिया, तो हमारा जो CPU है CPU फ्री हो गया। सो CPU अभी आइडियल था, और आफ्टर सम टाइम अगेन P0 इज रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑन योर लेफ्ट साइड, और जब P0 रेडी हो गया एग्जीक्यूशन के लिए तो हमने उसको भेज दिया प्रोसेसर की तरफ फॉर द एग्जीक्यूशन, और जब वो प्रोसेसर की तरफ जाएगा तो हम क्या करेंगे, PCB0 से उसका डेटा को फिर से रीलोड करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम पे सेव किया था उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, रीलोड करेंगे। सो आफ्टर दैट P0 इज इन एग्जीक्यूशन, ये एरो जो आपको लेफ्ट साइड में नीचे में दिख रहा है, सो दिस इज द अनदर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस P0। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ PCB, कि किस तरीके से PCB का यूज होता है, और इसी को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। व्हाई कंटेक्स्ट स्विचिंग, हियर द CPU फर्स्ट बिजी विद द प्रोसेस P0, आफ्टर सम टाइम CPU स्विच फ्रॉम P0 टू P1, आफ्टर सम टाइम अगेन CPU स्विच फ्रॉम द प्रोसेस 1 टू प्रोसेस P0। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग, and this is the diagram shows the use of PCB in the execution of the process. These are the some MSBD question, define the process and program, draw and explain the process state, draw and explain the PCB, draw how the CPU switch from one process to another process, jisko hum bolte context switching also. So these are the important question as the exam point of view. Summary of learning. In today's lecture, we learn process state and the process control block. आज के लेक्चर में हमने पढ़ा what are the different state of process and the process control block. In the next lecture, we will learn process scheduling. Thank you.